प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य से परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के अलावा ट्रेसिंग और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने टीकाकरण बढ़ाने और वैक्सीन का न्यूनतम अपव्यय सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बैठक का संचालन किया। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन की प्रतिदिन 31 लाख डोज प्रदान कर रहा है, जो कि अमेरिका से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस माह की 5 तारीख को ही एक दिन में ही 43 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग भी बढ़ चुकी है। इससे प्रदेश सरकार की चिंता वाजिब है। प्रदेश में कोरोना की वर्तमान क्या स्थिति है, इस पर अधिकारियों ने जानकारी प्रदान की। हिमाचल से इस चर्चा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी मौजूद रहे। उन्होंने हिमाचल में कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।